नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता चावला है। आज मैं घर पर हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं जो कहानी शेयर करने जा रही हूँ वो एक महात्मा जी की है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जो अपनी मदद खुद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही है इस कहानी में। एक महात्मा जी थे जो कि एक गाँव में एक मंदिर में रहते थे और भगवान की बहुत पूजा अर्चना करते थे और दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनका पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी हर विपत्ति में मेरी सहायता करेंगे और मेरे पर विपत्ति आने ही नहीं देंगे। और ये विश्वास उनका बढ़ता ही जा रहा था दिन प्रतिदिन। ईश्वर ही नहीं बल्कि वो मानवता की सेवा में भी प्रतिदिन लगे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि गाँव में बाढ़ आ गई और गाँव के सभी लोग अपना सामान बांध बांध कर जाने लगे। तो गांव वाले ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आप भी चलिए अपना सामान लेकर, यहाँ पर प्राणों का खतरा है। लेकिन महात्मा जी ने मुस्कुराए और कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ईश्वर ही मुझे बचाएगा, मेरे पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। तो गांव वालों के बहुत समझाने के बाद वो नहीं माने तो वो चले गए। तो धीरे धीरे पानी इतना बढ़ने लगा कि नाव चलने लगी और महात्मा जी थोड़ा सा और ऊपर बैठ गए। इतने में एक नाविक वहां से गुजरा और महात्मा जी से बोलने लगा कि चलो मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलो, यहाँ पर प्राणों का खतरा है और आपकी जान जा सकती है, आपको यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन महात्मा जी ने एक भी नहीं सुनी और बोलने लगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा ईश्वर ही मुझे बचाएगा। तो नाविक भी चला गया और धीरे धीरे इतना पानी बढ़ गया कि महात्मा जी को एक टाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठना पड़ा। अब वो पेड़ के ऊपर बैठकर ही प्रार्थना करने लगे भगवान की कि हे भगवान मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचा लो, हे भगवान मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचा लो। इतने में एक हेलीकॉप्टर से सहायता दल आया जिन्होंने रस्सी फेंकी और महात्मा जी से बोले कि आप रस्सी को पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। लेकिन महात्मा जी अड़े रहे और कहने लगे कि नहीं, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। वो भी चले गए और हुआ ये कि पानी इतना आ गया, वो पेड़ गिर गया और महात्मा जी के डूबकर मृत्यु हो गई। अब वो जब परलोक गए तो ईश्वर से बोले कि हे ईश्वर, मैंने आपकी दिन रात पूजा अर्चना की तो आपने मुझे क्या सिला दिया, आप मुझे बचाने भी नहीं आए। ईश्वर बोले नहीं, मैं आया था तीन रूप में। सबसे पहले मैं आया गांव वालों के रूप में, उसके बाद मैं नाविक के रूप में आया, फिर मैं आया हेलीकॉप्टर की सहायता दल के रूप में, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं, क्या भगवान एक ही वेश में आते हैं? नहीं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। और आजकल ऐसा ही है, जैसी स्थिति हमारे देश की है, पूरा देश एक संकट में है और सभी पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देश की सेवा में लगा हुआ है और हमारे प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके इस मिशन में पार्टिसिपेट करें और उनको सुने कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और जैसा वो कह रहे हैं वैसा करें। और इस तरह से हम लोग उनको सुनकर अपनी जान बचा सकते हैं, सबकी जान बचा सकते हैं और देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगली मुलाकात एक नई कहानी के साथ होगी। थैंक यू।